अस्सलाम वालेकुम अजीज स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूईटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि यूईटी के अंदर प्रोग्राम्स कौन कौन से करवाए जा रहे हैं। अजीज स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे ये पूरी इनकी जो सीरियल्स है वो मैंने सामने जो है उसको अरेंज कर दिया है। ये हम उसको मूव करवा रहे हैं जहाँ पे आप उसका प्रोग्राम से मुतलका जो आपसे रिलेटेड डिग्री हो आप उसको स्टॉप करके बाकायदा तौर पे उसका नेम वहाँ से लेके गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो डिटेल मिल जाएगी। मज़ीद भी इस हवाले से कोई और भी क्वेश्चन आपका हो तो आपको इंशाल्लाह उस हवाले से भी गाइड किया जाएगा। अजीज स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और भी चीज़ क्लियर कर दूँ। प्रीवियस वीडियो के अंदर मल्टी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लास्ट डेट को डिस्कस किया गया है, तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने कोशिश की है, हमें वेबसाइट पे जाके जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है जैसा कि युवास की है यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ से मैं क्लियर नहीं हो रहा, हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अजीज स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूँ, गवर्नमेंट इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रिक्टली इस वाले से रोकती है कि आप अभी स्टूडेंट्स के एडमिशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट जो है इसके कहने के बाद यूनिवर्सिटीज़ अपना एडमिशन स्टॉप कर देंगी, बल्कि उन्होंने टाइम लिया है जून के लास्ट तक या एटलीस्ट जुलाई की 10 या 15 तारीख तक। आपने इस चीज़ का वेट करना है, जुलाई की 15 तारीख तक आप लोग वेट करें और उसके बाद इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई होना जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। दूसरा यह है कि खुदा ना खास्ता जैसा कि यूईटी या अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन की डेट कम थी, जुलाई तक थी, अजीज स्टूडेंट्स जैसे ही ये मसला बनता है कि वो इस हवाले से गवर्नमेंट मज़ीद लेट कर देती है, खुदा ना खास्ता ये वबा जो है अपना मज़ीद ज़ोर पकड़ लेती है, उसके अंदर जाके ये है कि लाजमी बात है ये यूनिवर्सिटीज़ अपनी डेट को एक्सटेंड कर देंगी और इंशाल्लाह कोई भी ऐसी न्यू अपडेट जो होगी मैं आपको उस वाले से क्लियर करता रहूँगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ रबते में रहिएगा। मज़ीद आपका कोई इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से जो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, आप बाकायदा तौर पे उसको मुझे कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करें ताकि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक वीडियो बनाई जाए और बाकी जो है लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और दूसरा यह कि अपने फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग जो हैं वो भी इस कार्य खैर के अंदर शामिल हो सकें। जब बंदा कोई भी काम अजर की नीयत से करता है तो कन्फर्म बात है कि उसके अंदर अल्लाह उसको मज़ीद जो है वो खैर से नवाजता है। हमें भी एक दूसरे का भला सोचना चाहिए, जब हम किसी का भला सोचेंगे कुदरत हमारे साथ जो है भला करेगी। अजीज स्टूडेंट्स, दूसरा ये है कि मज़ीद ऐसी एजुकेशन अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल उस्मान बॉटनिस्ट। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि बकिया जो एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलती रहें। और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अजीज स्टूडेंट्स, दुआ में हम भी दुआओं के अंदर आप लोगों को याद रखेंगे। और फिलहाल अजीज स्टूडेंट्स, मुझे आप इजाज़त दें, ये मैंने पूरी आपको डिटेल दे दी है प्रोग्राम्स इसके अंदर कौन कौन से करवाए जा रहे हैं। अजीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में है ये अदर कोर्सेज हैं जो कि आम रूटीन में मतलब लोग कुछ कम करते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ वैसे ये बहुत ज़्यादा वो ज़बरदस्त है फील्ड ये भी, और इसको भी ज़रा आप देख लीजिएगा अगर किसी का प्रोग्राम इस हवाले से हो तो बाकायदा तौर पे इसके अंदर भी अप्लाई करें और इसको भी डिग्री को आप क्लियर कर सकते हैं। तो अजीज स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम्स की मुकम्मल डिटेल थी जो यूईटी बाकायदा तौर पे करवा रही है, मैंने आप लोगों के सामने इसको क्लियरली रख दिया है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।